स्वागतम, खुशामदीद, वेलकम टू गेम ऑफ साउथ। तो देखो, शेर का बच्चा जब से शुरू हुआ है, चार सीजन से लगातार रूमर एक शेर का बच्चा बना हुआ है। कॉडियोस को दो बार मौका मिला, ब्रॉक को मिला, जॉन को मिला, लेकिन कोई नहीं हरा पाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा। तो इस बार यार मैंने सोचा है कि थाली में परोस करके किसी को कंटेंडरशिप नहीं मिलेगी शेर का बच्चा की, तो इसलिए एक वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट रखा गया है। जॉन सीना, एजे स्टाइल्स, ड्रू मैकइंटायर, सीएम पंक, रैंडी ओटन, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और लास्ट में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और फाइनल बॉस। इन 8 प्लेयर्स में से एक जाएगा शेर का बच्चा रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए। भाई देखो, चार सीजन में तो कोई हरा नहीं पाया, देखते हैं कि आज कौन हरा पाता है। तो भाई साहब, टूर्नामेंट का पहला मैच हो रहा है जॉन सीना और एजे स्टाइल के बीच। वैसे जॉन सीना मुझे बहुत पसंद है, पिछला जो लास्ट सीजन था शेर का बच्चा में वो जॉन सीना, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाई जॉन सीना इस बार अपना रिवेंज टूर, जैसे कि लिव मॉर्गन ने अपना रिवेंज टूर पूरा किया है, कंप्लीट किया है वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनके, इस बार शेर का बच्चा में जॉन सीना अपना रिवेंज टूर पूरा करेगा। फिलहाल तो एजे स्टाइल्स को ज्यादा ही मार रहा है और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक शेर का बच्चे के फैंस और रोमन रेंस को हारते हुए देखने वाले लोग, प्लीज लाइक कर दो। जॉन सीना, जॉनू, टूर्नामेंट जीतो, रोमन को चैलेंज करो और खत्म करो उसका रेन। देखो भाई, एजे स्टाइल को पकड़ के रखो, यहाँ भी नौटंकी कर सकता है, यहाँ भी बोल सकता है, जॉन सीना को इमोशनल कर सकता है कि देखो भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरा आखिरी मौका है, मुझे चैलेंज करने दो, तुम्हें तो मिल चुका था मौका, तुम हरा नहीं पाए, मुझे चैलेंज करने दो। और मैं दिल से चाहूँ तो मुझे एक नया कंटेंडर चाहिए रोमन रेंस के लिए। और देखो, जैसे मैं तुम लोगों को बताऊँ, मैं देखो 2K23 की बात नहीं करते, उसमें ब्रॉक लेसनर, आई थिंक जॉन सीना और कॉडी रोड्स ने भी रोमन रेंस को चैलेंज किया था। बात करते हैं 2K24 की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैलेंजर आया है, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। तो इसलिए तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि टूर्नामेंट में कोडी रोड्स है ही नहीं। तो भाई देखो, कोडी रोड्स क्या ही बताऊं मैं, कोडी रोड्स और रोमन रेंस का जो टूर्नामेंट हुआ था ना शेर का बच्चा में, जिन्होंने देखा नहीं देख लो, मुझे लग रहा था कि हार जाएगा, लेकिन थैंक्स टू जॉन सीना, थैंक यू वेरी मच जॉन सीना, आई लव यू सीना। तो भाई एजे स्टाइल देख रहा है, लगता है पहली बार जॉन सीना कहीं हार ना जाए 2K24 में, बहुत ही कम परफॉर्मेंस हो रहा है जॉन सीना का। भाई जॉन सीना का हेल्थ कुछ ज्यादा ही डाउन हो चुका है, द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स, दो नौटंकी बाज भी बोल सकते हैं हम लोग, आजकल कुछ ज्यादा ही नौटंकी करने लगे। फिलहाल तो एजे स्टाइल्स के पास सिग्नेचर फिनिशर कुछ नहीं है, जॉन सीना के पास है, पर जॉन सीना की हेल्थ कुछ ज्यादा ही डाउन हो चुकी है। तो कमेंट सेक्शन में फटाक से बताओ कि कौन पहले ही क्वालिफायर में क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में जाने वाला है, क्वार्टर फाइनल, हाँ क्वार्टर फाइनल में। भाई जहां भी जाए आखिरी में तो रोमन रेंस के पास ही पहुंचेगा और हारेगा, क्या ही कर सकते हैं। वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि टीम को चुनने का भी जो होने वाला है क्राइटेरिया, उसके लिए भी कुछ कुछ करें हम लोग, कंटेंट डिसाइड करें, ऐसे ही टीम डिसाइड नहीं करें, उसका भी प्रोग्रेस में है मैटर। फिलहाल तो ये टूर्नामेंट ओवर करते हैं और देखते हैं कि दूसरी टीम यानी कि ओपनिंग टीम, भाई साहब एजे स्टाइल्स ओपनिंग टीम का को कैप्टन में यानी कि कैप्टन कौन रहने वाला है। यानी कि अमन इस बार पूरी मेहनत कर रहा है, अमन को इस बार कोई चांस नहीं चाहिए, पिछली बार बहुत ही चार सीजन से लगातार अमन हार रहा है, तो अमन को चाहिए। भाई मैं नहीं हार रहा, मैं नहीं हार रहा हूँ, सुपरस्टार लोग हार रहे, अपन नहीं हार रहा है, वो मैं तेरा ही हार मानूंगा, तू ही हार, तू मान ले भाई, मैं थोड़ी गेम के अंदर घुस के खेल रहा हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं है। चार सीजन भाई, रोमर एक शेर का बच्चा चार सीजन से बना हुआ है, मेरे को उम्मीद पता है कब होगी और मेरा दिल कब टूटेगा, जब ब्रॉक लेसनर चैलेंज करेगा 2K24 में। वैसे ब्रॉक लेसनर है इस टूर्नामेंट में फाइनल बॉस के साथ, वो लास्ट मैच होने वाला है। फिलहाल तो हाँ, ब्रॉक लेसनर या जॉन सीना हारता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ओ भाई साहब, एजे स्टाइल का फिनिशर भी बचा चुका है जॉन सीना, जॉन सीना फिनिशर दे सकता है। वैसे जॉन सीना का परफॉर्मेंस, शायद कोई अपडेट आया, अपडेट के वजह से जॉन सीना का परफॉर्मेंस काफी कम हो गया है, जो कि जॉन सीना के फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये पूरा टूर्नामेंट से उमंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उमंग का चैंपियन यानी कि शेर का बच्चा तो साइड में चार सीजन से आराम से शेर की गद्दी पे बैठा हुआ है, शेर बन करके यार जंगल के बाकी जानवरों पर राज कर रहा है, पर ज्यादा देर तक नहीं। उमंग टेंशन मत लो, ज्यादा देर तक नहीं, ये जो टूर्नामेंट है ना, ये पता है क्यों है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालने के लिए। तो भाई देखो, ऐसा बात नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे भी चाहिए यार, चैंपियन को भी कोई तगड़ा चैलेंजर चाहिए, टीआरपी बढ़ानी है गेम ऑफ साउथ की। तू क्या कर रहा है यार, समझता नहीं है तू बात को, एक टीआरपी अगर बढ़ानी है तो चैलेंजर रिपीट नहीं करना चाहिए। और देखो, सबको मौका मिल रहा है, ताकि जो तुम्हारा फेवरेट सुपरस्टार है उसके लिए तुम बोल ना सकोगे यार तुम लोग मौका नहीं दिए, इसलिए हम लोग सबको मौका दे रहे हैं। तो जॉन सीना की, अच्छा एजे स्टाइल्स की भी हेल्थ डाउन कर दी है जॉन सीना ने, और जॉन सीना आई थिंक थोड़ा सा अपर हैंड पे सिग्नेचर और फिनिशर के साथ, जॉन सीना के पास दोनों ही हैं। जॉन सीना देखो जीत जाओ पहले ही मैच में, दिल टूट जाएगा मेरा यार, चलो आगे जा करके परफॉर्म करना नहीं करना वो तुम्हारे हाथ में, पर प्लीज जीत जाओ।
भाई साहब जॉनसन ने अपना फिनिशर लगा दिया है, देखते हैं एजे स्टाइल बच पाता है या नहीं। मत बचना एजे स्टाइल्स, खत्म करो मैटर। जॉनसीना यार लास्ट टाइम में तुम धोखा क्यों दे देते हो? लगता है हारने वाला है एजे स्टाइल, हारने वाला है। 1 2 मैच खत्म। भाई बहुत इजीली हरा दिया मां कसम जॉनसीना। यार तुमने तो स्टार्टिंग में ही खुश कर दिया जॉनसीना। पहला मैच जॉनसीना क्वालिफाई करके क्वार्टर फाइनल्स में जा चुके हैं। अब देखना ये कि जॉनसीना को आगे सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर, इन दोनों का अलग मैटर चल रहा है। भाई देखो ड्रू मैकइंटायर आए तो ठीक है, लेकिन अगर सीएम पंक आ गया ना भाई तो कहीं मनी इन द बैंक वो नहीं हो जाए, क्या बोलते हैं, रिपीट नहीं हो जाए मनी इन द बैंक और सीएम पंक फ्लाइंग किस करके चला नहीं जाए यार। हाँ देखो सीएम पंक शेर का बच्चा जीत करके गेम ऑफ सोर्स से टाटा। सीएम पंक एक बारी शेर का बच्चा जीता, बाय बाय उमंग, बाय बाय रोमन, टाटा। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सीएम पंक के शेर का बच्चा जीतने का बात नहीं कर रहा हूँ, टूर्नामेंट जीतने का। नहीं शेर का बच्चा जीत करके भी वो जा रहा है रिटायर्ड, सीधा खत्म। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड मैच की तरफ। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, डिसलाइक तो बड़े अच्छे से कर देते हो, लाइक भी कर दो। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और तुम लोग भी कमेंट करके बताओ कि शेर के बच्चे सीजन 5 में कौन चैलेंज करेगा। और जो जो चैनल पे नए हो और उसे पता नहीं है कि शेर का बच्चा क्या है, क्या कर रहे हो तुम लोग, जिंदगी अभी तक जिए नहीं हो तुम लोग, जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, तब पता चलेगा शेर का बच्चा है क्या। तो इन दोनों का मैच कौन सा करवाया जाए? नॉर्मल तो एजे स्टाइल्स और जॉनसीना का करवा चुके हैं हम लोग, तो भाई साहब इसलिए ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक का टेबल्स मैच रखा है। देखते हैं कि कौन टेबल तोड़ता है, कौन हॉस्पिटल जाता है। वैसे ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक का काफी ज्यादा बदला है रॉयल रंबल का भी, इंजरी चाहिए अपने को। भाई देखो ड्रू मैकइंटायर तो कुछ भी बोलो यार, कुछ ज्यादा ही अफसोस आ रहा है। तू मार दे, तू हॉस्पिटल पहुंचा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन यार दो बार टाइटल मैच में बेचारा हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो ये शेर, ये वाला जो शेर का बच्चा है ना उसमें सभी सुपरस्टार का रिवेंज टूर चल रहा है, सभी लोग यार मोटिवेट हो गए लिव मॉर्गन से। तो चलो इस मैच को भी द रिवेंज टूर ऑफ ड्रू मैकइंटायर। और मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, ये सीजन 5 रिवेंज टूर ऑफ माय टीम भी है, तो इसलिए रिवेंज टूर। अभी तो बोल रहा था कि मैं नहीं हार रहा हूं, माय टीम मैं नहीं, तो माय टीम मतलब क्या होता है, तेरा ही ना। हाँ तो मतलब ठीक है, रिवेंज टूर अभी तक रिवील नहीं करना था, अभी रिवेंज टूर चलेगा, रुको। तो भाई 4 सीजन से तो रिवेंज टूर चला नहीं, देखते 5 सीजन में क्या। कोडी धोखा दे दिया यार, पता नहीं कोडी रोड्स की टीम, जॉन सीना, चलो फिलहाल चालू कर दिया है दोनों ने एक दूसरे को, पर उतना भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। वैसे भी टेबल्स मैच में डैमेज से कोई लेना देना होता ही नहीं। तो भाई ड्रू मैकइंटायर ये तुम्हारे ऊपर है, याद है ना रेसलमेनिया, याद करो कमेंट्री टेबल में कैसे तुम्हें गिराया था सीएम पंक ने, और उसके बाद क्या ही बेचारे के साथ कांड हुआ, 2 बार टाइटल चला गया। डैमियन प्रिस्ट तो फालतू चैंपियन है यार, छीनो उससे, सेथ रॉलिंग्स यार टाइटल छीनो, सेथ ही रॉलिंग्स सही था। अच्छा और इस बार का जो टीम रिवील होने वाला है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देख करके तुम लोग बाबले तो हो जाओगे। इस बार का टीम रिवील एकदम रैंडम नहीं रहने वाला है, कुछ सोच करके हम लोग टीम रिवील करेंगे। लेकिन इससे पहले टीम रिवील हो यार, ये देख लेते हैं कि चैलेंजर कैप्टन कौन बनने वाला है। ये कैप्टन तो डिसाइडेड है, रोमन रेंग्स, वो तो शेर का बच्चा ही है, वो तो शेर का बच्चा है ही, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि अमन की टीम का कैप्टन कौन है। भाई देखो कोई भी कैप्टन हो एक, अरे सीएम पंक क्या कर रहे हो यार, कहां जा रहे हो, अरे टेबल लेकर के आओ, क्या यार टेबल्स मैच चल रहा है, तुम लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हो, दिस इज अ टेबल्स मैच। और ये देखो चेयर लेकर के आए सीएम पंक जी, पर टेबल नहीं लेकर के आए, मैटर ही नहीं है इनको। यार कैप्टन रहना बहुत जरूरी है भाई, अच्छा कैप्टन रहेगा तो तू हर मैच जीत सकता है। देखो जॉनसीना तो उतना अच्छा नहीं खेलते, देखो सच्ची बताना जॉनसीना के फैंस, देखो मैं भी फैन हूँ लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलना होप तो होगा पर अच्छा नहीं खेल रहा है। देखते हो सकता है कैप्टन बनने के बाद जॉनसीना को जोश आ जाए। और वो ये प्लीज मत बोलना कि स्टैंडिंग गिलिटिन, आजकल मैं कमेंट देख रहा हूँ स्टैंडिंग एसटीएफ दे दो, स्टैंडिंग एसटीएफ दे दो। हाँ कोई सुपरस्टार का मूव्स अभी चेंज नहीं कर रहे भाई, जैसा मूव से वैसा रहने दो यार। अभी फ्यूचर में अगर मॉड वोड बनाते कोई सुपरस्टार का तो उसमें डिफॉल्ट मूव्स के जगह पे मॉड मूव्स डाल देंगे, पर अभी जो डिफॉल्ट सुपरस्टार है उमंग ने भी अभी तक रोमन रेंस का कुछ भी चेंज नहीं किया ना, मैंने जॉन सीना ब्रॉक लेसनर का चेंज किया, तो अभी फिलहाल वैसे ही रहने देते। तो फाइनली एक टेबल अंदर घुस रहा है, कम ऑन ड्रू मैकइंटायर खोल टेबल,
और जीत जा भाई। भाई ऐसा मत बोलो, ड्रू मैकइंटायर तगड़ा कैप्टन बन जाएगा, तुम्हारे लिए राइवल अच्छा खासा आ जाएगा ग्लैमर। अरे यार जब हरा दिया इसको कोडी रोड्स को तो ड्रू मैकइंटायर क्या ही। कोडी रोड्स को नहीं हराया, जॉन सीना ने तुम लोगों को जितवाया है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ना एकदम अलग अलग है। वो जिमी उसोस का भी लगता है, ऐसा मत बोल यार, जिमी उसोस का। हाँ वो ठीक है, जिमी उसोस का भी वो वन ऑफ द फैक्टर था, पर कोडी रोड्स को रोमन ने नहीं हराया पिछले सीजन में, जॉन सीना ने जितवाया। तुम लोगों को मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, वन साइडेड मैच हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि गया गया, दो टेबल खुल चुका है, दोनों में से एक ना एक टेबल टूटने ही वाला है। और हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर, नहीं 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 लगा, ड्रू मैकइंटायर के पास चांस है, चांस फुलफिल, अगर सीएम पंक ने नहीं बचाया तो क्वार्टर फाइनल ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जॉन सीना। फाइनली ड्रू मैकइंटायर ने अपना बदला ले लिया, तो ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक को हरा दिया है, और शेर का बच्चा टूर्नामेंट में आज तक ड्रू मैकइंटायर कैप्टन नहीं बन पाए। तो आइए देखते हैं कि ड्रू मैकइंटायर आगे जा पाते हैं या नहीं। भाई क्वार्टर फाइनल्स में तो चले गए जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। फिलहाल ये मैच एक दो दिन के बाद होगा, क्योंकि कल की वीडियो में एक और दो क्वालिफायर्स बाकी हैं। चलो आगे बढ़ते, फिलहाल यार सेलिब्रेट कर लो तुम। लेकिन एक बात जॉन सीना के फैंस के लिए बहुत एकदम टेंशन वाली बात है यार, ड्रू मैकइंटायर है, क्लेमोर मार के जीत जाएगा भाई, कुछ भी बोलो, लौंडा जोश में। अच्छा खतरनाक आदमी है। फिलहाल तो यार दो मैचेस दो क्वालिफायर्स हो चुके हैं, जॉन सीना और ड्रू मैकइंटायर एज स्टाइल्स और सीएम पंक को हरा करके क्वार्टर फाइनल्स में जा चुके हैं। कल की वीडियो में वेट करो, द वाइपर रैंडी ऑर्टन, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर और द फाइनल बॉस टकराने वाले। तो तुम लोग भी कमेंट करके बताओ यार कि तुम लोगों को क्या लगता है कि शेर का बच्चा सीजन 5 के फिनाले में कौन आएगा। तो चलो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड नेवर ट्राई दिस एट योर होम। बाय बाय, टाटा।